मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे बास इज डू इन द पाउजर का सेकंड पार्ट, यानी कि जो हम लेसन नंबर 1 कर रहे थे मॉड्यूल ड्राई का, वही हम करेंगे। उसका पार्ट 2 हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था, हमने कुछ नाउन सीखे थे, हमने आर्टिकल्स के बारे में जाना था, हमने नॉमिनेटिव केस और अकुसेटिव की केस के बारे में जाना था, हमने 3 वर्ब्स की थी, एसन, नेमन एंड ट्रिंकन। अगर आप वो सब समझना चाहते हैं तो आप प्लीज प्रीवियस वाली वीडियो देखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आगे। तो जो हमने लास्ट टाइम हमने कॉन्जुगेशन सीखी थी, तो हमने कॉन्जुगेशन मान लीजिए हमने सीखी थी इश्त्रिंक, त्रिंकन की हमने कॉन्जुगेशन सीखी थी त्रिंकन। तो त्रिंकन की क्या कॉन्जुगेशन सीखी थी? इश त्रिंक, दू त्रिंक्स्ट, राइट? ये हमने कॉन्जुगेशन की थी ना लास्ट टाइम, कि हमारी रेगुलर वर्ब है। एसन हमारी इरेगुलर थी, तो उसमें इश एस दू ईस हो जाता था। पहले मैं ये कॉन्जुगेशन बता देती हूँ, इश त्रिंक दू त्रिंक्स्ट वियर्स इजी। Ich trinke, du trinkst, er sie es trinkt, wir sie sie trinken, ihr trinkt. ये हमारी कॉन्जुगेशन थी। तो आज जो हम करेंगे इसका क्या यूज करना है, यानी कि अगर आज हम या नाइन फ्रागन बनाना सीखना चाहते हैं तो हम देखेंगे या नाइन फ्रागन। या नाइन फ्रागन मतलब यस नो वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम बोलते हैं ich trinke, मतलब मैं पीती हूँ, दू त्रिंक्स तुम पीते हो। अगर मुझे किसी को पूछना है क्या तुम पानी पीते हो, जैसे हम इंग्लिश में तो क्या लगा देते हैं, हिंदी में हम क्या लगा देते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, यू डू ड्रिंक वाटर, डू लगा देते हैं। यहाँ डू नहीं लगता, यहाँ येस नो वाले क्वेश्चन के लिए पहले वर्ब लगती है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ये येस नो वाले क्वेश्चन का आपका स्ट्रक्चर है। यानी कि जैसे नॉर्मल हमारा होता है, नॉर्मल हमारी वर्ब हमारा सेंटेंस होता है दू त्रिंक्स वाटर, दू त्रिंक्स ein Glas Wasser, ये है कि तुम पानी पीते हो, ये स्टेटमेंट है, राइट? अब मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है, क्या तुम पानी पीते हो? हमें कुछ नहीं करना, हमें बस पोजीशन चेंज कर देनी है। तो हम क्या कर देंगे, trinks du, trinks du ein Glas Wasser? तो ये क्वेश्चन बन गया आपका, यानी कि डू यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो सबसे पहली बात, हमें इंग्लिश से कंपेयर नहीं करना, ट्रांसलेट नहीं करना, क्योंकि इंग्लिश में डू लगता है, यहाँ नहीं लगता। यहाँ पर क्या होता है, पहले वर्ब ले आते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्जुगेट करते हैं। तो ये हमने उल्टा कर दिया, यानी कि पहले वर्ब आती है जो कि मैंने आपको बताया, देन हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला trinkst du ein Glas Wasser, आप आंसर क्या बोलेंगे, हाँ मैं पीता हूँ, तो या ich trinke ein Glas Wasser, मैं एक ग्लास पानी पीता हूँ, राइट? तो ये यस नो वाले क्वेश्चन के लिए क्या करना होता है, पहले वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम एसन लेते हैं। तो हमारा नॉर्मल क्या बनता है सेंटेंस, अगर दू के साथ मुझे कॉन्जुगेशन करनी है एसन की, एसन हमने सीखा था, एसन हमारी इरेगुलर थी, तो दू के साथ क्या लगता था, दू इस्ट हो जाता था, ई आई में कन्वर्ट हो जाता, तो दू इस्ट आइन एन एप्पल, ये हमारी स्टेटमेंट है कि तुम एप्पल खाते हो। अब मेरा क्वेश्चन बनाना है, क्या तुम एप्पल खाते हो? तो मुझे कुछ नहीं करना, पोजीशन चेंज कर देनी है, इस्ट डू आइन एन एप्पल, तो ये यस नो वाला क्वेश्चन बन गया, मतलब डू यू ईट एन एप्पल, तो आप क्या आंसर दोगे, या इश एस आइन एन एप्पल, राइट? कि मैं एक एप्पल खाती हूँ। और ये आइन एन क्यों लगा, यहाँ पर ये अकुसेटिव केस लगा हुआ है, अगर इसको समझना है पहली वाली वीडियो देखिए। तो या इश ऐसा आइन एन एप्पल, यानी कि आपको वर्ब पहले ले आनी है। अब जैसे मैंने पूछा, फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे मैंने बोला टीना, अब टीना शी है, शी के साथ क्या कॉन्जुगेशन लगती है, इस्ट, टीना इस्ट आइन एन एप्पल, टीना एप्पल खाती है, ठीक है, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। अब मुझे क्वेश्चन पूछा है, क्या टीना एप्पल खाती है, डज शी ईट एन एप्पल, जैसे मुझे बोलना है क्या टीना एप्पल खाती है, तो वही पोजिशन चेंज, इस्ट टीना आइन एन एप्पल, तो आप आंसर में क्या बोलोगे, या जी इस्ट आइन एन एप्पल, हाँ वो एप्पल खाती है। अब आपका क्वेश्चन ये उठ सकता है कि अभी जब हम ऊपर कर रहे थे, तो जब हम दू में क्वेश्चन पूछ रहे थे तो इश में आंसर आ रहा था, अब मैंने टीना में पूछा तो जी में क्यों आया? देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे, वन मिनट,
हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने दू में क्वेश्चन पूछा, आंसर इश में आया। यहाँ मैंने टीना में क्वेश्चन पूछा, आंसर टीना में ही आया। क्यों? अब जैसे मैंने सपोज आपसे बोलती हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आप बोलोगे ना मेरा नाम टीना है। तुम्हारा मतलब मैंने तू में आंसर दिया, मैंने पूछा और आपने मुझे आई में आंसर दिया, व्हाट इज योर नेम, तो आप बोलोगे ना माय नेम इज, यही बोलोगे ना। लेकिन अगर मैं पूछती हूँ उस लड़के का नाम क्या है, तो बोलोगे ना उस लड़के का नाम राहुल है। यानी कि अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि दो में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आई में आंसर आता है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, तो थर्ड पर्सन में ही आंसर आता है। यानी कि जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, अगर दो में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आंसर इश में आएगा, अगर ईयर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आंसर वियर में आएगा, अगर एयर जी एस में पूछा जा रहा है तो आंसर ASES, थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन में ही आएगा। मैं पूछूंगी राहुल कहाँ रहता है, तो आप ये बोलोगे राहुल दिल्ली में रहता है, तो राहुल का राहुल मतलब सेम वही आएगा, जो सब्जेक्ट में, जो आई मीन सब्जेक्ट क्वेश्चन में है वही आंसर में आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें दू और उसकी बात करें कि तुम क्या करते हो, तो आप बोलोगे मैं ये करता हूँ, राइट। कि तुम लोग क्या करते हो, कि हम लोग ये करते हैं, राइट। ASES का ASES में आएगा, और जी कैपिटल होगा तो भी इश में आंसर आ सकता है और बियर में भी आ सकता है, कि आप क्या करते हैं, मैं ये करता हूं या हम ये करते हैं, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, अगर हम क्वेश्चन और आंसर बना रहे हैं, तो क्वेश्चन अगर डू ईयर इसमें है तो आंसर इसमें आएगा, और अगर आंसर इसमें है तो क्वेश्चन इसमें बनेगा, राइट। तो इसलिए अगर जब मैंने बोला टीना इज टाइन एन आफल और क्वेश्चन बनता है इज टीना आइन एन आफल, तो आप क्या बोलो, या जी इज टाइन एन आफल। जैसे मैंने पूछा, अब नॉर्मल स्टेटमेंट बनाती हूँ कि राहुल एप्पल खाता है, राहुल इज टाइन एन आफल, तो आप क्वेश्चन क्या बनाएंगे, अगर मेरे को बनाएंगे क्या राहुल एप्पल खाता है, इज राहुल आइन एन आफल, तो आप आंसर हाँ वो एप्पल खाते हैं, तो कैसे बोलोगे, या एयर, एयर किस लिए, राहुल के लिए, इज आइन एन एप्पल, हाँ वो एप्पल खाता है, फिर उसकी कॉन्जुगेशन लगा दी, राइट। ये ऐसे होगा आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं डब्लू फ्रागा कैसे करना है। ये तो हमारे यस नो वाले क्वेश्चन हो गए, अब बात करते हैं डब्लू फ्रागा। डब्लू फ्रागा होता है डब्लू क्वेश्चन, राइट। डब्ल्यू क्वेश्चन का मतलब जैसे वास हो गया आपका, यहाँ पर यूज होगा वी फील, वास इज टू, वास निम्स टू, राइट, वास कॉस्टेड, अभी वास ही यूज होगा, वास का मतलब हो गया व्हाट, राइट, ये हमारा वास हो गया। अब जैसे मुझे पूछना है, ये आपका वास हो गया। डब्ल्यू क्वेश्चन के लिए पहले डब्ल्यू क्वेश्चन आता है, फिर वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर क्वेश्चन मार्क आता है, ये डब्ल्यू क्वेश्चन हो गया। यानी कि अगर मुझे पूछना है तुम क्या खाते हो, वास, वास लगा, फिर वर्ब लगी इस डू, क्योंकि डू है इसलिए मैंने इस लगाया, वास इज डू, व्हाट डू यू ईट, तो आपने बोला इश एस आइन एन एप्पल, मैं एप्पल खाती हूँ, वास इज डू इश एस आइन एन एप्पल, राइट। अब मैं जैसे वास क्वेश्चन हो ही गया, अब मैंने पूछा वास इज टीना, टीना क्या खाती है, अब टीना थर्ड पर्सन में आ गया ना, तो क्या बोलोगे, टीना इज आइन एन एप्पल, टीना चलो केक खाते हैं, टीना इज आइन एन कुखन, राइट। अगर टीना में क्वेश्चन होगा तो आंसर टीना में आएगा, अगर दू में क्वेश्चन होगा तो आंसर इश में आएगा। तो वास इज दू, जैसे मैंने पूछा वास निम्स दू, चलो निम्स, हमें नेमन की कॉन्जुगेशन की थी ना, इश नेम दू निम्स, तो वास निम्स दू, व्हाट डू यू टेक, इश, अब दू में क्वेश्चन है, आंसर इश में आएगा, इश नेम आइन केज अब्रॉड, मैं एक चीज ब्रेड लूंगी। अब ये आइन क्यों आया है, क्योंकि ब्रॉड का आर्टिकल दास होता है, आकुजाटिव में आइन लगता है इनडेफिनिट में, तो इश नेम आइन केज अब्रॉड। ये आपको समझ में आया, इतना क्लियर हुआ कि हमें क्वेश्चन कैसे बिल्ड करने हैं। अगर यस नो वाला होगा, देखो इन शॉर्ट, अगर यस नो वाले या नाइन फ्रागन में क्या होगा, आपका पहले वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। आपके वे फ्रागा में क्या होगा, पहले डब्लू क्वेश्चन आएगा, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, राइट, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। और आंसर में क्या होगा, या फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या होगा, सीधा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये होगा इस तरह से, राइट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, इज डू आइन एन एप्पल, क्या तुम एप्पल खाओगे, ये आपका यस नो वाला हो गया,
तो आपने क्या बोला, या इश ऐसा अन एन एप्पल, यहाँ पर वास इज तू, तुम क्या खाते हो, डायरेक्टली पूछ रही हूँ ना, क्या खा रहे हो या क्या खाते हो, तो आपने सीधा आंसर दे दिया इश ऐसा अन एन एप्पल, राइट, इश ऐसा अन एन एप्पल, ये वे फ्रॉग हो गया आपका। अब मैं एक नई चीज कराने वाली हूँ, उसके अंदर नई चीज ये है कि इसके अंदर आपको अभी तक हमने जो इनडेफिनेट आर्टिकल किए थे वो क्या किए थे, अगर हम बात करें इनडेफिनेट आर्टिकल अनडिस्टिंक्ट आर्टिकल की, तो हमने क्या किया था, हमने किए थे नॉमिनेटिव की बात करें मैस्कुलिन फेमिनिन एंड न्यूट्रल, प्लूराल तो होता ही है, और अब अकुजेटिव में क्या कहता, हम सिर्फ अभी इंडेफिनेट की बात करें, तो इंडेफिनेट में यहाँ आइन आता था, यहाँ आइन आता था, यहाँ आइन आता था, मैस्कुलिन में अकुजेटिव में आइनन आइन एंड आई, राइट। तो मैस्कुलिन में क्या होता था, नॉमिनेटिव में आइन होता था, आइन, ये इन सब का मतलब ही आ है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ और है, अ या एन आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो इन सब का मतलब वही है, लेकिन मैस्कुलिन की अगर कोई नाउन है तो उससे पहले हम आइन लगाते थे नॉमिनेटिव में आइना आइन, फेमिनिन में आइन लगाते थे, न्यूट्रल में आइन लगाते थे, अकुजेटिव में आइन लगाते थे, और बाकी चीजें सेम रहती थी। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं एप्पल खाती हूँ, तो मैं क्या बोलती थी, इश एस आइन एन एप्पल, आइन एन एप्पल क्यों बोलती थी, क्योंकि एप्पल हमारा मैस्कुलिन है, भाई मेरा मैस्कुलिन है एप्पल, और एप्पल ऑब्जेक्ट में आ रहा है, यानी कि मेरा अकुजेटिव केस लगेगा, अगर मैस्कुलिन है और ऑब्जेक्ट में लग रहा है तो क्या लगेगा, आइन एन एप्पल, तो इश ऐसा आइन एन एप्पल, राइट। अब मैं बोलना चाहती हूँ आई डोंट ईट एन एप्पल, मुझे नेगेटिव में बोलना है, यानी कि नेगेशन करना है, तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, सिर्फ आपको इसके आगे के लगा देना है, और इसका प्लूराल भी होता है, प्लूराल में क्या हो जाता है, काइना, एंड यहां पर भी काइना, राइट। तो अगर मैं बोल रही हूं आई डोंट ईट एन एप्पल, तो मैं बोलूंगी इश ऐसे काइन एन एप्पल, राइट। मैं बोल रही हूँ कि आई ईट एन एप्पल, मैं बोलूंगी इश ऐसे आइन एन एप्पल, यानी कि बस आर्टिकल पता होना चाहिए, नेगेटिव करने के लिए सिर्फ के लगा दोगे आप आगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने बोला इश ऐसे डैश ब्रॉड, ठीक है, इश ऐसे डैश बनाना, मैंने बोला इश ऐसे डैश कुखन, मैंने बोला इश ऐसा डैश चिप्स, एक पॉजिटिव ले लिया, अब यहीं पर मुझे नेगेटिव बोलना है, इश ऐसा डैश ब्रॉड, मेरे को, मैं ब्रेड नहीं खाती, इश ऐसा डैश बनाना, इश ऐसा डैश कुकन, इश ऐसा डैश चिप्स। अब आपको ये आ गया कि इसमें फिल करना है आपको आइन आइन और आइनन, और इसमें फिल करना है आपको आय काइनन काइना एंड काइन, राइट। तो सिर्फ आर्टिकल देखना है, यानी कि यहाँ नेगेटिव में बनाना है या पॉजिटिव में, यानी कि मैं एप्पल खाती हूँ, एक एप्पल खाती हूँ, एक बनाना खाती हूँ, वहां बोल रही हूँ मैं एक बनाना नहीं खाती, यानी कि आई ईट एन एप्पल, आई डोंट ईट एन एप्पल, सिर्फ ये नेगेटिव में ये हो गया। तो पॉजिटिव में हम पहले क्या करेंगे, मैं वो बताती हूँ, जैसे ब्रॉड है, ब्रॉड का आर्टिकल दास होता है, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि सारे सेंटेंसेस अकुजेटिव में, यानी कि ऑब्जेक्ट में हमें लगाना है, राइट, यानी कि ऑब्जेक्ट में हमारी जो इंडेफिनिट की टेबल होती है वो ये होती है। अब मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं ब्रेड खाती हूँ, और ब्रेड का आर्टिकल क्या होता है, दास, राइट, यानी कि इंडेफिनिट क्या है, मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, आई, यानी कि मैं खाती हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, इश ऐसे आइन ब्रॉड। अगर मुझे बोलना है कि आई डोंट ईट ब्रेड, तो वही सेम इसका आर्टिकल न्यूट्रल होता है, बट नेगेटिव में कर देना है आइन ब्रॉड, भाई ब्रॉड के साथ तो आइन आता है ना, इंडेफिनिट में अकुजेटिव में, और नेगेटिव में काइन हो जाएगा। इश ऐसा बनाना, बनाना दी है, तो हम क्या बोलेंगे, आइना बनाना, भाई दी वालों के साथ ई आ जाएगा, मैं एक बनाना खाती हूँ, मैं बोलूँ मैं बनाना नहीं खाती,
तो मैं क्या बोलूंगी, इश ऐसा काइना बनाना, बस ये लग गया, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। कुखन के लिए क्या होता है, कुखन मैस्कुलिन है, तो मैं अकुजेटिव में क्या होता है, आइनन आता है, कि मैं केक खाती हूँ, एक केक खाती हूँ तो इश ऐसा आइनन कुखन, मैं नहीं खाती तो काइनन कुखन। अब आते हैं पॉजिटिव में, इश ऐसा चिप्स। अगर आपको ध्यान होगा हम इंडेफिनेट में प्लूराल नहीं लिखते पॉजिटिव वालों में, कि अगर मैं बोल रही हूँ मैं चिप्स खाती हूँ, इंडेफिनेट आर्टिकल में प्लूराल का नहीं होता, तो सीधा बोल देते हैं इश ऐसे चिप्स, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, प्लूराल के साथ कुछ नहीं आएगा। हम कभी ये नहीं बोलते आई ईट एन एप्पल्स, हम अ के साथ प्लूराल नहीं लगाते, तो इश ऐसे चिप्स डायरेक्टली आई ईट चिप्स। और अगर मैं नहीं खाती तो नेगेटिव में लगता है काइना, ये नेगेटिव में लगेगा, मतलब पॉजिटिव में बोलेंगे तो कुछ नहीं लगेगा और नेगेटिव में काइना लगेगा, राइट? यानी कि आर्टिकल पता होना चाहिए, नेगेटिव करना है सिर्फ के लगा दो, ब्रॉड होता है हमारा आइन तो हमने काइन कर, कुखन होता है हमारा आइनन तो हमने काइनन कर दिया, हमारा बनाना होता है आइना तो हमने काइना कर दिया, बस नेगेटिव करने के लिए सिर्फ के लगाना है, बाकी हमें सेंटेंस देना है कि अकुजेटिव है या नॉमिनेटिव। हमारा सेंटेंस अकुजेटिव ही है क्योंकि सारे नाउन हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है और ये हमारा अकुजेटिव केस लग रहा है। अब अकुजेटिव में देखना है कि ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल, अगर मैस्कुलिन है तो वो आइनन में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में और नेगेटिव में काइनन में। अगर उसकी बात करें हम फेमिनिन में, पॉजिटिव में आइना, नेगेटिव में काइना, और न्यूट्रल में काइन आई और नेगेटिव में काइन, और प्लूराल में बात करें तो पॉजिटिव में कुछ नहीं होता और नेगेटिव में बात करें तो काइना हो जाता है, राइट? ये हमारा नेगेटिव बनाने के लिए हो गया। यानी कि अब आपके दो क्वेश्चन काम हो गए हैं, एक तो कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, दूसरा नेगेटिव कैसे बनाना है, राइट? अब मैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं, जैसे पूछा जाता है हाउ डू हंगर, डू यू हैव हंगर, जैसे आप पूछो इंग्लिश में तो हम ये बोलते हैं आर यू हंग्री, यहाँ पर ये नहीं बोलते, ये बोलते डू यू हैव हंगर, तो आपको बोलना है या, अगर है तो आप बोल सकते हो, नहीं है तो आप बोल सकते हो नाइन इश हैव अ काइन एंड हंगर, मुझे कोई हंगर नहीं है, ठीक है? ये आप नेगेटिव में बोल सकते हो, या में बोलना है तो या इश हैव अ हंगर, मुझे भूख है उन इश ऐसा आइन ब्रॉड, मैं ब्रेड खा रहा हूँ, आइन केस ब्रॉड, आई ईट चीज ब्रेड, राइट? ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया, नाइन इश हावा, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा है मैंने, इश नाइन इश हावा काइनन हुंगर, राइट? और पॉजिटिव में या इश हावा हुंगर इश ऐसा आइन केस ब्रॉड। अगर आपको किसी को पूछना है कि आर यू थर्स्टी, इंग्लिश में हम आर यू बोलते हैं, यहाँ पर ये नहीं बोलते, यहाँ नाउन यूज होता है, तो हम बोलते हैं हाज डू डुस्ट, मतलब आपको प्यास है, हाज डू डुस्ट, तो आप बोलोगे या इशाबा डुस्ट, मुझे प्यास है इश्ट्रिंग का वासर, इश्ट्रिंग का आइन ग्लास वासर, मैं एक ग्लास पानी पीता हूँ, ग्लास में एक ही ऐसा है, इस तरीके का आइन ग्लास वासर, राइट? और नहीं है तो नाइन इश हावा काइनन डोस्ट, काइनन डोस्ट, नाइन इश हावा काइनन डोस्ट, तो ये मुझे प्यास नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हो और आप पूछना चाहते हो कि कितने का है ये एप्पल, कितने का है, कॉस्ट क्या है इसका, तो आप क्या बोल सकते हो, वास, वास मतलब क्या, कॉस्टेड आपकी वर्ब लगेगी, कॉस्टेड मतलब व्हाट द कॉस्ट, अब किस चीज की, जैसे आई ने डोजो कोला, डोजो होता है कैन, एक कोला कैन की कितने की है, वास कॉस्टेड आई ने डोजो कोला, तो आप क्या बोलोगे, आई ने डोजो कोला कॉस्टेड स्वाय ऑयरो 2 यूरो, मान लो सपोज, तो वास कॉस्टेड मतलब व्हाट द कॉस्ट ऑफ दिस, तो वास लगाओगे कॉस्टेड, मतलब ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, वास कॉस्टेड फिर आगे नाउन लगा दो, जैसे मैंने पूछा कि एक एप्पल कितने का है, वास कॉस्टेड आइन हैमबर्गर या आइन एप्पल, तो आपने क्या बोला, आइन एप्पल, वहीं से सब्जेक्ट उठाया आइन एप्पल, फिर वर्ब उठाई कॉस्टेड, आंसर ये वही हो गया ना, देखो डब्लू फ्रागा, डब्लू क्वेश्चन हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आंसर में सब्जेक्ट है, देन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट आपको अपना लगाना है यहाँ पर, वास कॉस्टेड आइन एप्पल कॉस्टेड सोया यूरो
2 यूरो का है एक एप्पल। हाँ, अगर अब देखो यहाँ पर क्या था, यह सिंगुलर चीजें थी, यहाँ पर क्या थी आपकी सिंगुलर चीजें थी, इसलिए कॉस्टेट आया। अब जैसे आप बोलना चाहते हो कि भाई चिप्स कितने की, अब चिप्स प्लूराल है तो आप बोलोगे वास कॉस्टन, प्लूराल में बस कॉस्टन आ जाएगा, वास कॉस्टन चिप्स, तो आप बोलोगे चिप्स द चिप्स कॉस्टन 2 यूरो। राइट, अगर यहाँ पर प्लूराल है तो यहाँ प्लूराल आएगा, कॉस्टन आएगा, सिंगुलर के साथ कॉस्टेट, यानी कि सिंगुलर वालों के साथ कॉस्टेट और यहाँ पर प्लूराल वालों के साथ कॉस्टन। राइट, सिंगुलर कौन सी, मतलब जिनके आर्टिकल देयर दी दास है, लाइक एक एप्पल, तो यानी कि एएसडीएस वाले जिनके आर्टिकल देयर दी दास है उनके साथ कॉस्टेट आएगा, जिनके आर्टिकल प्लूराल है दी वाला उसके साथ कॉस्टन आएगा। राइट, ये आपका क्वेश्चंस हो गए जो इसके अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए अब हम इसके अंदर हमारी एक वर्ब रह गई है, वो है मुडाल वर्ब, उस वर्ब का नाम है म्योस्टन। म्योस्टन का मतलब होता है वुड लाइक टू, और वैसे बात करें तो टू वांट, किसी चीज को चाहना। तो अगर मैं कॉन्जुगेशन की बात करूं, मोडाल वर्ब का रूल नंबर 1, इसको ध्यान से सुनना, मोडाल वर्ब का रूल नंबर 1, इश और एएसडीएस सेम होता है, यानी कि इश की जो कॉन्जुगेशन होती है वही एएसडीएस की होती है। तो इश की क्या कॉन्जुगेशन होगी, इश म्योस्ट डू डू म्योस्टेस्ट, सी एच टी ई एस टी लगेगा। ई एस टी क्यों लगता है, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी वर्ब में लास्ट थर्ड लेटर टी होता है तो ई भी कैरी होता है, म्योस्टेस्ट एएसडीएस म्योस्ट। मैंने अभी आपको बताया रूल नंबर 1, इश और एएसडीएस सेम होता है, एंड वीएसडीजी म्योस्टन या म्योस्टेट नहीं आता है, इसका ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक होती है, म्योस्टेट और ईयर म्योस्टेट। और ये जो रेगुलर, जब हमने, आपने अगर सिक्स में पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा, जो लास्ट थर्ड लेटर होता है अगर किसी वर्ब का टी या डी, तो हम ई भी कैरी करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जस्ट एस टी नहीं आया, ई एस टी आया है, देखो ई एन ई टी इसलिए आया। और इश और एएसडीएस सेम होता है, तो रूल नंबर 1 क्या है मोडाल वर्ब का, इश और एएसडीएस की कॉन्जुगेशन सेम होती है। ठीक है, रूल नंबर 2, जब हम इसके साथ सेंटेंस बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है, मोडाल वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है, देन नॉर्मल वर्ब आती है, और वो भी इन्फिनिटिव फॉर्म में। इन्फिनिटिव फॉर्म मतलब एक्चुअल फॉर्म। अब जैसे मान लो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं एप्पल खाती हूँ, इश ऐसा आई एन एप्पल, ये तो नॉर्मल है, मैं एप्पल खाती हूँ। अब मैं बोलना चाहती हूँ मैं एप्पल खाना चाहती हूँ, मतलब अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माई विश कि आई वुड लाइक टू ईट, मैं खाना चाहूंगी या खाना चाहती हूँ, तो इश म्योस्ट मुडाल वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा आई एन एप्पल, देन आएगा एसन, ये इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगा, यानी कि पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर मोडाल वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, देन हमारी नॉर्मल वर्ब आती है, वो भी इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म मतलब एक्चुअल फॉर्म। तो यानी कि इससे क्या पता चला, मैं एप्पल खाना चाहती हूँ, तो इश म्योस्ट आई एन एप्पल एसन, मैं ऐसे बोलूंगी कि मैं ये करना चाहती हूँ। राइट, तो ये हमारा मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब का रूल नंबर 1, इश और एएसडीएस सेम होता है, यानी कि इश की जो कॉन्जुगेशन है वो ही एएसडीएस की होगी। और मैंने आपको बताया जब लास्ट थर्ड लेटर किसी भी वर्ब का, जैसे हमने लिया अर्बाइटन, ठीक है, इस अर्बाइटन में लास्ट थर्ड लेटर गया टी, तो टी वाले केस में क्या होता है, जैसे इश अर्बाइटर हो जाता है, डू अर्बाइटेस्ट हो जाता है, मतलब ई भी कैरी होता है। अब देखो टेक्निकली तो ये होना चाहिए ना, अर्बाइट के बाद जस्ट एस टी आना चाहिए, बट इसकी कोई साउंड नहीं होती ना, तो हम इसलिए ई भी कैरी करते हैं, ऐसे ही फिर अर्बाइटेड हो जाता है अर्बाइटेड। तो ऐसे ही क्योंकि म्योस्टन में, देखो म्योस्टन में आपका टी था, इसलिए यहाँ पर म्योस्टेस्ट आया, डू म्योस्टेस्ट। राइट, तो कॉन्जुगेशन क्या होगी, इश म्योस्ट डू म्योस्टेस्ट। राइट,
यहाँ पर est आया है और asgs म्योस्ट ये रेगुलर की तरह नहीं है, ish और asgs सेम होता है, vsg म्योस्टन ear म्योस्टन, राइट। कॉन्जुगेशन आपको समझ में आ गई। अब क्या होता है कि मैंने ये बोला कि मैं एप्पल खाना चाहती हूँ तो क्या आएगा, ish म्योस्ट einen apfel essen, ish म्योस्ट einen apfel essen, मैं एप्पल खाना चाहती हूँ। अगर तुम एप्पल खाना चाहते हो तो क्या बोलोगे, du möchtest einen apfel essen, कि तुम एप्पल खाना चाहते हो। अब आप किसी से क्वेश्चन पूछना चाहते हो, क्या एप्पल खाना चाहोगे या खाना चाहते हो, वही मैंने आपको या नाइन फ्रागन के लिए बताया, वर्ब पहली पोजीशन पे आ जाएगी, möchtest du einen apfel essen, म्योस्टर्स दो आइन एन आपल एसन, फिर आंसर में क्या बोलोगे, या इश म्योस्टर आइन एन आपल एसन, राइट। म्योस्टर्स दो आइन एन आपल एसन या इश म्योस्टर आइन एन आपल एसन, आप इस तरह से आंसर कर सकते हो। या नाइन इश म्योस्टर, नहीं मैं नहीं खाना चाहती, नाइन इश म्योस्टर काइन एन आपल एसन, कि मैं एप्पल नहीं खाना चाहती। और आपका इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे तुम क्या खाना चाहते हो, अभी तक हम पूछते थे वास ईज दू, तुम क्या खाते हो, यहाँ पर हो गया वास ईज दू, व्हाट डू यू ईट, तो हम आंसर देते थे क्योंकि एसन में ही वर्ब हमारी एसन होती थी, तो इश एस आइन एन एप्पल, तो हम बोलते थे मैं एप्पल खाती हूँ। अब ये बात नहीं हो रही, मैंने पूछा वास म्योस्टस दू, तुम क्या खाना चाहते हो, बुडाल वर्ब आ गई, वास म्योस्टस दू एसन, तो आप आंसर दोगे इश म्योस्ट आइनन एप्पल एसन, मैं एक एप्पल खाना चाहती हूं, राइट। यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन में हमारी मुडाल वर्ब नहीं है, नॉर्मल वर्ब है, तो हम नॉर्मल वर्ब में ही आंसर देंगे, वास इज दू, तुम क्या खाते हो, तो आपने बोला इश एस आइनन एप्पल। अगर क्वेश्चन मुडाल वर्ब में वास म्योस्ट दू एसन, क्या खाना चाहते हो, तो आप आंसर दोगे इश म्योस्ट आइनन एप्पल एसन, बस मुडाल वर्ब के साथ जो दूसरी वर्ब होती है वो एंड में आती है, वो भी इन्फिनिटिव फॉर्म है, राइट। तो ये हमारा चैप्टर था, इस चैप्टर के अंदर हमने नेगेटिव वाला भी कर लिया, हमने वर्ब्स कर ली, वर्ब कॉन्जुगेशंस कर लिए, हमने मुडाल वर्ब की कॉन्जुगेशन कर ली है, हमने नेगेटिव वाला कर लिया है, कैसे क्वेश्चंस बिल्ड होते हैं हम लोगों ने ये कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू वेरी मच, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अरबाइज बुक करेंगे, कि अरबाइज बुक की एक्सरसाइज करेंगे कि किस तरह की एक्सरसाइज है और हमें कैसे सॉल्व करना है, राइट। थैंक यू वेरी मच।